हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ़ोन पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है। और अब नीचे आकर मैसेज ऐप को खोजना है। देखिए थोड़ा नीचे हमें आते हैं, यहाँ पर है मैसेजेस ऐप, इस ऐप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ परमिशन का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। अब जो परमिशन अलाउ नहीं है उस परमिशन को अलाउ करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है नॉट अलाउ, इसके नीचे जो भी परमिशन है अलाउ नहीं है तो हम इन पर क्लिक करते हैं। और सबसे ऊपर अलाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और बैक आते हैं। इस तरह अलाउ देखिए हो चुका है। इसी तरह आपको भी चेक करके सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो यहाँ से हम सभी परमिशन को अलाउ कर देते हैं, देखिए अब हो चुके हैं। अब आना है बैक। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा, स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज नाम का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कोई भी मैसेज डिलीट नहीं होगा। अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करना है और फिर स्विच ऑन करना है। इतना करने के बाद जब भी ओटीपी आएगी तो आपके फ़ोन पर आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी देखिए हमारे फ़ोन पर अभी ये ओटीपी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ से हम मैसेज को ओपन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इस तरह आपके भी फ़ोन में सही हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।